इंडो चाइना वॉर और वहाँ के जाबा सिपाही करण हमारे साथ हैं, और जो ये सिपाही का जो सिलसिला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वॉर पे वॉर नहीं। एक्चुअली हम जो शो दिखा रहे हैं उसमें हमने दो वॉर लड़ी है, एक हमारी नीफा वॉर है और दूसरी है फाइनल बैटल जो कि शक्सिला में लड़ी गई थी। तो हमारे लिए जो वॉर शूट करना और वॉर एक्चुअली दिखाने इज इक्वल है, क्योंकि हम जितना फिल्मा सकते हैं और जितना हमने एक्चुअल में गोलियाँ चलाई है, जितने एक्चुअल बम के पास से निकले, तो वो बहुत मेरे लिए तो बहुत प्राउड वाली बात है, बिकॉज मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। और जो महेश सर से और जो हमारे एक्शन डायरेक्टर सीखने को मिले थे, दैट इज कमेंडेबल, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। एक्चुअली बिल्कुल चेंज है ये, मुझे पहले कभी नहीं देखी मेरी जिंदगी। आई थिंक मैंने शेव ही नहीं किया था कुछ पहले 3-4 साल से, अभी तो पूरा रोज क्लीन शेव होना पड़ता है, फिर ये मुझे रखा है। सो आई थिंक अभी जब बीच में कभी एक दो दिन बॉम्बे भी जाता तो लोग पहचानते नहीं तो या बट ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू कीप चेंजिंग योर लुक एंड आई एम एंजॉइंग दिस। और अभी यहाँ पे सब मूंछों में तो अच्छा लगता है, तो एकदम वो मर्दाना फीलिंग आती है। अच्छा, आज का जो सीक्वेंस है पूरा वॉर का चल रहा है, बैटल है अपने जीती की, तो वो बताइए यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा बताए। तो जो एक बैटल हमने लड़ी थी जो कि इंडियन सोल्जर, कुछ 155 इंडियन सोल्जर थे और कुछ 3000 चाइनीज सोल्जर्स के अगेंस्ट हमने ये वॉर लड़ी थी। और आज हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं तो इसमें गाड़ियाँ उड़ रही है, ट्रक उड़ रहे हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पे गाड़ी जोड़ के आई है। हाँ, तो ये जो गाड़ी उड़ती है ये हमारे सीधा मुंह पे आता था, मेरे ऊपर और किशन जो आकाश पे कर रहा है, तो वो गाड़ी हमारे मुंह के ऊपर उड़ के आती है और एक एंड विद इन अ निक ऑफ टाइम वी हैव टू लीव दैट प्लेस, नहीं तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाती। तो हमने कल शूट किया था, गाड़ी अभी तक जल रही है, हमने कल शूट किया। एंड या दिस वॉर फाइनल बैटल अगेंस्ट द चाइनीज सोल्जर्स, ये एक जाबाजी की कहानी है जिसमें कुछ 155 इंडियन सोल्जर ने चाइनीज के अगेंस्ट लड़ा था और वो वॉर जीती थी, जो आज लेह लद्दाख हमारे अगर इंडिया के अंदर पार्ट है तो वो इसी का पार्ट है, वो इसी वॉर की वजह से इंडियन सोल्जर ने लड़ा था। कितना सीक्वेंसेस शूट करने में कितना डिफिकल्टी गई, कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब देखिए, शुरुआत में तो उनको बम पटाखे तो मुझे दिवाली पर भी बम पटाखे पसंद नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आए गए चलते रहते, बड़ा किधर से बूंदों किधर से इधर से बम बज रहे, बट डिफ़िकल्टी बहुत हुई, मतलब क्योंकि ये जो टेरेन है ऊपर नीचे पहाड़ है और हमने शूज़ जो है और हमने ठीक है, फिलहाल तो शूट अभी भी जारी ही है ऊपर पहाड़ों पे, काफ़ी अलग अलग जगह सारी यूनिट्स है। एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस टाइम पे वॉर लड़ी गई थी तो उस टाइम पे इंडियन सोल्जर ने कैनवस शूज़ में पूरी लड़ाई की थी। अगर आप देखें तो हमने कैनवस शूज़ पहने कि कैनवस शूज़ में लड़ी, इस पर भागना, इस पर चलना, इसलिए एक नंगे पाँव ही चलना, और जिस तरह का टेरेन है ये, पहाड़ों पे चढ़ना, पत्थर वत्थर, तो इतनी बार हमारी टांग मुड़ती थी भागने में या फिर गिर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा हो कि मेरे को एक भागने का सीन था जिसमें आसपास बम फट रहे, आग लगी हुई है, आई हैव टू रन थ्रू दैट एंड उस पर मैं गिर जाता हूँ, बट देयर सो मच नॉइज अराउंड, देयर सो मच डस्ट अराउंड, देयर सो मच स्मोक अराउंड कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं गिरा हूँ, क्योंकि कैमरा साथ साथ चल रहा है और मैं बीच में, मेरे साथ और भी 2-4 लोग भाग रहे हैं। एंड बट मेरे को ऐसा हुआ कि यार अभी अगर शॉट रोका तो गया, क्योंकि रीसेट करने में, उसको बम दोबारा लगाने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि मैं जैसे ही गिरा मेरे बिल्कुल पास में एक आग लगी हुई थी, मैं उठ के फिर से भागा, बिकॉज उसके बाद ये इतना रैली स्प्रे तो हमारे आज का हैंडी रहती है, क्योंकि इतनी बार ट्विस्ट होता तुम्हारा पैर और इतनी बार, अभी बंदूक की आवाज़ आई, इतनी बार ट्विस्ट होता था हमारे पास कि बढ़िया, और अभी आदत पड़ गई इसके साथ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस फील। एक्चुअली वर्दी वाला फील, मतलब क्या क्या ये सब लगा हुआ है, थोड़ा बताए क्या क्या है? दिस इज कॉल्ड द पिट्ठू, इसमें हमारी बंदूकें की बुलेट्स होती है, ये बैग है, इसमें कुछ भी छोटा मोटा खाने पीने का सामान या फिर टेंट के लिए कुछ भी रखने के लिए कुछ भी हथौड़ा होता है। एंड या दिस इज द होल लुक, जो कि ये कुछ लगा भी है। हाँ, ये बुलेट एक मुझे छू के जाती है, जान बच जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5 AM जब चाइनीज़ पहली बार अटैक करते तो उस टाइम सबसे आगे मैं ही होता हूँ एंड और मेरे साथ 10 लोगों की टीम होती है और मेरे सामने कुछ 120 चाइनीज आते हैं। सो हाउ आई टैकल देम एंड हाउ आई किल 120 ऑफ देम विद माई 10 मैन, दैट्स हाउ इट इज़। और जब मैं कवर ले रहा होता हूँ उनसे बचने के लिए, एक बुलेट छू के जाती है, तो दिस इज द सेम शॉट, दिस इज द वुंड व्हिच आई गॉट। अभय है, सुमित है, मतलब अनुप जी है, काफ़ी लोग हैं, मतलब और महेश सर डायरेक्टर है, ऐसा रहा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस, और खासकर पंचगिरी में शूट कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो है। पंचगिरी में मुझे 1.5 महीना
अब तो ऐसा लग रहा है बॉम्बे भूल गए, बट हाँ महेश सर इज एक्सेप्शनली गुड, अभी हमारा मेजर प्ले कर रहा है एंड द वे ही इंस्ट्रक्ट्स अस और कैसे पोजिशनिंग देना एंड ऑल, उनके उनके अंदर एक मेजर वाली फील है. सुमित ऑब्वियसली इज बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, कमाल का एक्टर है, ही हैज डन गुड थिएटर इन हिज लाइफ एंड वो भी एक जुबेदार का रोल प्ले कर रहा है, मैं एक सिपाही का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग होगी स्पेशली विद सुमित पास एंड महेश एंड अपे कमाल. आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि इन सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी विद, क्योंकि क्योंकि एक वेब शो है तो दिन कम होते शूट करने के, और इन सब के साथ मुझे आई थिंक आई बी इन कंटिन्यू टच विद देम. तो अब फिल्मों की तरफ भी अब थोड़ा करने वाले हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे लग रहा है अभी मेरे को अभी सब लोग जानते हैं. नहीं महेश सर से तो अभी बढ़िया, डूइंग अ वेब शो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज एंड डूइंग अ वेब शो, आई थिंक दिस इज द अपर स्टेप टुवर्ड्स माय लाइक करियर. अगर फिल्में भी ऑफर होती है बट आई नीड गुड कंटेंट लाइक दिस, दिस इज अमेजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतनी मेहनत इतना जज्बा शूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. नहीं अभी फिल्मों के लिए अगर अच्छा ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आता तो आई वुड लाइक टू डू दैट. थैंक यू सो मच.